हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने कमेंट्स या फिर अपने सब्सक्राइबर्स का नाम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको आपको youtube.com सर्च करना है, youtube.com को सर्च करना है। उसके बाद आपको इसको बिग साइज में करना है, जूम करना है। उसके बाद अपने आइकॉन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करना है। अगर आपको वहाँ पर अपना आइकॉन नहीं दिख रहा है तो आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ये मेरा लॉग इन है, इसलिए मेरा आइकॉन मिल रहा है, वरना उसमें एक थ्री डॉट्स रहती है, उसमें आपको क्लिक करना है और उसमें आपको डेस्कटॉप साइट पर करना है, फिर आपका आइकॉन मिल जाएगा आपको। और देखिए, अब यहाँ पर आप अपने इसको जूम करिए और अपने यहाँ पर आप सारे कमेंट्स देख सकते हैं। गो टू चैनल, उस पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद और अगर आपको अपने सब्सक्राइबर्स का नाम जानना है तो आप यहाँ पर जाकर सिंपली कर सकते हैं, सारे सब्सक्राइबर को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना हूँ। अगर आपको अपने चैनल का नाम बदलना है तो मैं आपको बताऊंगा आप अपने चैनल का नाम कैसे बदल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने YouTube पे सिंपल जाना है और वहाँ पे अपने चैनल को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपने चैनल पे जाना है। उसके बाद आपके चैनल पे एक साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूँ सेटिंग का ऑप्शन कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, तो ये है सेटिंग का ऑप्शन, ये आपको दिख रहा होगा, ये ही है सेटिंग का ऑप्शन। तो इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये साइड में पेंसिल की ऑप्शन है, उधर आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए, ये है साइड में पेंसिल का ऑप्शन, ये इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने चैनल में और अगर आपको आगे उसमें कुछ एडिट करना है तो आप ये वाले पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखिए, मैंने इस पर क्लिक करा, इसमें मेरे ये चैनल का नाम है। अब मैं इस पर मैं इस पर कुछ भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसमें जो भी आपको लिखना है आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, इससे आपको चेंज हो जाएगा चैनल का नेम। और उसके बाद आपको ओके करना है। और फ्रेंड्स, एक बात का इसमें ध्यान रखना कि आपको ये सिर्फ 90 डेज में सिर्फ 3 बार ही आपका चैनल चेंज हो सकता है, 90 डेज में सिर्फ 3 बार, उससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता। और अगर आपको अपने सब्सक्रिप्शन को प्राइवेट रखना है, जैसे सब्सक्रिप्शन लिखे आते हैं नीचे 1K 2K, अगर आपको किसी को नहीं दिखाना कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं तो आप इसको सिंपली ऑन कर दीजिए, फिर आपके कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं देख सकता। ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए। और अगर आपको अपने प्लेलिस्ट को सेव करना है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, नहीं करना तो आप नहीं कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आप अपने चैनल में अगर आपको कुछ एडिट करना है, जैसे आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। आपको जैसे आपने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है या आपको और आपको कुछ एडिट करना है कि आप कैसे करेंगे एडिट, तो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे कर सकते हैं अपने वीडियो को एडिट। देखिए, आपको सिंपली जाना है, अगर आपका कुछ छूट गया पहले से पीछे और आपने उसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा छोटा लिख दिया, एक बड़ा लिख दिया, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने योर वीडियोस पे क्लिक करना है, उधर आपको जो भी अपने वीडियो को एडिट करना है वो कर लीजिए। जैसे मुझे, मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो भी उसमें करना है, जैसे अगर आपको पब्लिक को चेंज करना है, जो भी करना है आप कर दीजिए। टैग्स जो भी लगाने हैं आपको वो आप लगा दीजिए। जैसे मैं इसमें अभी टैग्स एडिट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सिंपली टैग ऐड। ये देखिए, हमारा सिंपली टैग ऐड हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में एक ये ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है। अभी इसमें कुछ एरर आ रही है इसलिए ये हो नहीं है, मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ। और अगर आपको यहाँ से टैग्स लग नहीं रहा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपली इसको डिलीट करिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ,
और अब मैं इसको कर्ल कर देता हूँ कट पे। और अब मैं इसको, आप सिंपली अपने YT स्टूडियो पे जाइए, आप YT स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली अपने YT स्टूडियो पे जाइए जो, और नीचे व्यू मोर पे क्लिक कीजिए। सिंपली आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका आपका जो भी वीडियो है उस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपको पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐड टेक्स्ट पे आ गया। ऐड टेक्स्ट पे आपको जो भी लिखना है आप कर दीजिए, फिर कोई एरर नहीं आएगी उसमें। फिर उसके बाद ऊपर एक सेव का ऑप्शन है, वो आप सेव कर सकते हैं। मैं इसमें अभी मैंने दूसरा वीडियो सेलेक्ट करा है। तो आपका जो भी आपका वीडियो है उस पर आप सिंपली ऐसे क्लिक कीजिए। आपको अगर इसको हटाना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसके बाद इस पर जो भी मुझे लिखना था मैं उसको लिख देता हूँ। उसके बाद ऊपर एक सेव का ऑप्शन आता है, उस पर आप सेव कर दीजिए। सिंपली सेव कर देंगे जाके फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपको थंबनेल को अगर अपने चेंज करना है तो आप सिंपली पेंसिल के ऑप्शन पर जाइए। फिर आपको जो भी थंबनेल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे इस पर सिलेक्ट करो तो उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, उस पर आप सेव कर दीजिए। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो वो सब कुछ देर में सेव हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से कुछ अलग करना है एडवांस सेटिंग पर जाकर तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिस टाइप का आपका वो है। उसके बाद आपको जिस टाइप का ये करना है, जैसे मैंने इसको जिससे करा है आपको अलाउ करना है। मैंने अभी कुछ एडिट नहीं करा है इसलिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आप कुछ एडिट करेंगे तो आपका सेव का ऑप्शन ब्लू कलर का हो जाएगा। सिंपली आप उसे ब्लू कर दीजिए। उसके बाद आपका पूरा ये थंबनेल ये सब कुछ सेट हो जाएगा। और अगर आप लोग अपने यूट्यूब पे चैनल डालते हैं तो आपको थंबनेल सेट करना, तो आपको मतलब यूट्यूब स्टूडियो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका चैनल फेमस नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको YT स्टूडियो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इससे ही आपकी सेटिंग हो सकती है पूरी। इसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए। और आप अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप, मैंने आपको पूरा बता दिया, आप यूट्यूब पे जाके एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।